चल तू चाहे जहां। मेरी आंखों में नजर तेरे है, मेरे तू जो नहीं। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सो अभी जो आपने प्रीव्यू में ये इंस्टाग्राम की वायरल रील देखी है गाइस, ये वीडियो इंस्टाग्राम पर काफ़ी ज़्यादा वायरल चल रही है। और आज की इस वीडियो में बिल्कुल इसी तरीके से मैं आपको सेम इसी तरीके की एडिटिंग करके दिखाने वाला हूँ जो अभी आपने प्रीव्यू में देखा है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए फ़ोन की स्क्रीन पर चलते हैं। ऑलराइट गाइस, सो अब मैंने अपनी फ़ोन की स्क्रीन को ओपन कर लिया है। सो सबसे पहले इस वीडियो की एडिटिंग के लिए आपको अपने फ़ोन के अंदर एक VPN ऐप को डाउनलोड करके इसको आपको कनेक्ट कर लेना है। उसके बाद एडिटिंग के लिए सबसे पहले अपने फ़ोन के अंदर एक कैपकट ऐप को ओपन करना है। अगर आपके फ़ोन में ये ऐप नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आईफोन एंड एंड्रॉयड दोनों में आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं लिंक दे रखा है, ठीक है। सो एडिटिंग के लिए न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है और यहाँ से 6 सेकंड का वीडियो अभी मैं ऐड कर रहा हूँ और इसके अंदर कोई भी अभी वॉल्यूम ऑडियो वगैरह नहीं है, ठीक है। कहाँ से ऐड करनी है, क्या करना है, पूरा फुल बताने वाला हूँ। सबसे पहले इस ऐप का एक छोटा सा वाटर मार्क आएगा, इसको आपको डिलीट कर देना है और इसको यहाँ से म्यूट कर लेना है, ठीक है। अब जो क्या करना है, इस प्लस पर क्लिक करना है। यहाँ पर हमें अपने दो वीडियो के पार्ट ऐड कर लेने हैं। दो कैसे कैसे, चलिए वो भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर अपनी जो वीडियो ऐड मुझे करनी है मैं उस वीडियो पर जाता हूँ। एक मेरी बैक का वीडियो है, ठीक है। इस टाइप से आपका बैक का चलने वाला वीडियो होना चाहिए। उसके बाद प्लस पर क्लिक करके सेकेंड वीडियो आपको ऐड करना है। तो सेकेंड वीडियो मैं यहाँ पर ये वाली ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। इसके अंदर मेरा वो ओके, ठीक है। तो मैंने ये वीडियो सेकंड वीडियो मैंने ये ऐड कर ली है। तो अब हमें इसमें क्या क्या करना है, चलिए अब वो हम जान लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वाली वीडियो पर क्लिक करना है। अगर आपका फर्स्ट का वीडियो का पार्ट थोड़ा ख़राब है तो जहाँ से ख़राब है वहाँ कर आना है और स्प्लिट करके, जैसे ये पार्ट ख़राब है तो इस पार्ट को डिलीट कर देना है, ठीक है। आप चाहें तो, अगर आपका सही है तो ऐसे भी रहने देना, जैसे कि मेरा सही है तो मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस पार्ट पर क्लिक करना है, स्पीड पर क्लिक करना है, कर्व पर क्लिक करना है, कस्टम पर क्लिक करना है, एक बार और इसकी एडजस्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पर आएंगे वॉल्यूम कर कम कर लेते हैं बिल्कुल जीरो। अभी मैं इसमें हमें स्लो मोशन ऐड करना है, कैसे करना है चलिए अब वो देख लेते हैं। जितने भी पॉइंट हैं बिल्कुल जीरो कर देना है, ठीक है। ये देखिए, बस हमें इस पॉइंट को, ठीक है, इस पॉइंट का ध्यान रखना है। बस ये पॉइंट हमें इस तरीके से एक ये रखना है, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से सेम बिल्कुल यही रखना है, जिससे हमारा एकदम एक्चुअली अच्छा वाला हमारा जो है स्लो मोशन ऐड इसके अंदर हो जाएगा, ठीक है। आपने देखा सेम इसी तरीके से आपको अपना कर लेना है। करने के बाद राइट पर क्लिक कर देना है और फिर से राइट पर क्लिक कर देना है। अब हमें जाना है 11 सेकंड पर, ठीक है। 11 सेकंड पर, 11 सेकंड पर कैसे जाएंगे, सबसे पहले स्टार्टिंग में आना, ये देखिए 10 सेकंड, थोड़ा जूम कर लेंगे तो 11 सेकंड, 11 सेकंड के बाद और पूरा फुल जूम कर लेंगे 11 सेकंड पर आने के बाद। जैसे 11 सेकंड पर मैं आया, देखिए 11 सेकंड ये है, 12F, 6F, 8F, 10F, 12F, 14F, 16F, 18F, 20F, 22F, 23F, 24F, 26F, 11 सेकंड के बाद जैसे 26F ये आएगा, सिंपल यहाँ पर आना, इस पर क्लिक करना, स्प्लिट करके जो भी ये फालतू का पार्ट बचा है इसको डिलीट कर देना है। अब आपको सेकंड वाला पार्ट ऐड करना है। देखिए सेकंड पार्ट मेरा ये है। अब मैं कहाँ से एक बीच में से एक पार्ट को लेना चाहता हूँ, जैसे कि ये देखिए, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ से ये पार्ट लेना चाहता हूँ, ये ओके, बस ये यहाँ से मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इस पार्ट पर क्लिक करूँगा, स्प्लिट कर दूँगा जो फालतू का पार्ट है, इस पर क्लिक करके इसको डिलीट कर दूँगा। अब ये पार्ट मेरा इस तरीके से आ गया, ठीक है। सो अब हमें क्या करना है, इसके अंदर फिर से स्लो मोशन लगाना। तो इस पार्ट पर क्लिक करना है, स्पीड पर, नॉर्मल पर, सॉरी कर्व पर क्लिक करना है, कस्टम पर क्लिक करना है, एडजस्ट पर क्लिक करना है और फिर से इसको हमें सेम वही इस तरीके से ना कर देना, ये ठीक है। देखिए कहीं इस तरीके से, अब मैं आपको प्ले करके दिखाऊँ, ये देखिए वही स्लो मोशन यहाँ पर, पूरा सेम वही पूरा स्लो मोशन यहाँ पर लग चुका है, ठीक है। ये देखा आपने, ओके, ठीक है। बस राइट पर क्लिक कर देना है और फिर से राइट पर क्लिक कर देना है और 15 सेकंड, जैसे ये 15 सेकंड हमारा आता है ना, ठीक, पूरा 15 सेकंड जूम कर लेना है और 15 सेकंड पर आने के बाद वीडियो पर क्लिक करना है, स्प्लिट करके जो लास्ट का फालतू का पार्ट बचा है इसको डिलीट कर देना है। बस इसके अंदर हमारा ये भी ऐड हो चुका है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, ओके, स्लो मोशन काफ़ी अच्छा हमारा इस पार्ट में भी लग गया, ठीक है। ये काम हमारा हो गया। अभी जो है हमने इस वीडियो को एडिटिंग करने के लिए ये समथिंग दो पार्ट की ऐड बना लिया है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले ये फर्स्ट वाला पार्ट है उस पर क्लिक करना है, एनिमेशन पर क्लिक करना है, यहाँ पर एक रोक वर्टिकली ऐड कर देना है सबसे पहले ये और राइट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद हमें इसी पार्ट की फर्स्ट वाला पार्ट ना, तो फर्स्ट पार्ट की स्टार्टिंग में, जैसे कि यहाँ पर स्टार्टिंग में आना है, आने के बाद हमें सिंपली थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर पड़ेगा एडजस्ट
और यहाँ पर एडजस्ट फिल्टर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एडजस्ट पे और हमें मिलेगा एक यहाँ पर शार्पर शार्पनर। इस शार्पनर पर शार्पनर पर क्लिक करने के बाद इसको कर देना समथिंग हमें 31। ओके मैं थोड़ा प्ले कर लेता। ओके 31 हमने इसको कर लिया। उसके बाद HCL पर क्लिक करना है, येल्लो वाले पर क्लिक करना है। इसको अपनी वीडियो कोडिंग कर लेना जैसा आप करना चाहते हैं। तो मैं समथिंग इसको इतना कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखिए ओके कलर ग्रेडिंग कर रहे हैं हम, ये कलर ग्रेडिंग ओके। और यहाँ पर अब ग्रीन वाले पर क्लिक करना है। इसको हम ठीक से अपनी वीडियो को कोडिंग कर लेते हैं जैसे हमें सही लगता है, ठीक है। इसको मैं इतना रहने देता हूँ, ठीक है। ज़्यादा भी लाइट करेंगे तो हमारा जो अभी ग्लो इफेक्ट हम लगाने वाले हैं उससे और ज़्यादा अभी यहाँ पर लाइट हो जाएगा। ओके तो राइट पर क्लिक कर देना। ये हमने कलर ग्रेडिंग कर लिया और इस एडजस्ट वाले पार्ट को इस बिल्कुल लास्ट तक रखना है, ठीक है। लास्ट है, देखिए पूरी वीडियो में कलर ग्रेडिंग हो चुकी है। अब क्या करना है, फिर से हमें जो है ना ये एडजस्ट का अपने फर्स्ट वाले पार्ट की स्टार्टिंग से लगाना है, ठीक है। अब उसके बाद फिर से हमें क्या करेंगे, फिल्टर्स पर क्लिक करेंगे। फिल्टर्स पर क्लिक करने के बाद स्क्रीनरी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा एक, ये देखिए कोल्ड गोस्ट, ठीक है। ओके सो हमें ये मिल जाएगा, आप यहाँ पर देख रहे हैं कोल्ड कोस्ट। इसको हमें फुल कर देना है। फुल करने के बाद राइट पर क्लिक कर देना है और इसको भी हमें कहाँ तक लगाना है, इस पार्ट की एंड तक, बिल्कुल लास्ट तक, ठीक है। लास्ट तक देखिए काफ़ी ज़्यादा हमारा ग्रेडिंग हो चुकी है। अब इसमें हमें ग्लो इफेक्ट लगाना है, वो कैसे लगाना है, ठीक है। तो बैक आएंगे, बिल्कुल बैक आने के बाद जैसे ही हम यहाँ पर बैक आ गए इतना, और फिर से हमें क्या करना है, बिल्कुल बैक आना है और हमें स्टार्टिंग में आएंगे तो इफेक्ट्स मिलेगा, वीडियो इफेक्ट्स पर क्लिक करना है। थोड़ा वेट कर लेना, VPN आपका कनेक्ट होना चाहिए तभी यहाँ पर आपके जो है सारे एनिमेशन वगैरह शो हो जाएंगे। तो मेरा कनेक्ट है इसलिए यहाँ पर लोडिंग होने के बाद सब कुछ शो हो रहा है। हमें आना नाइट क्लब पर, ठीक है। तो नाइट क्लब पर आ जाते हैं। थोड़ा यहाँ पर फिर से देखिए नेटवर्क इशू होगा, थोड़ा देर से चलेगा, नेटवर्क ठीक होगा तो सही चलेगा। सिंपल यहाँ पर कलरलेस फ्लैश पर क्लिक कर देना है। इस पर एडजस्ट पर एक बार और क्लिक करना है। हमें क्या करना है, सबसे पहले देखिए नीचे के साइड जाएंगे, इसकी स्पीड को जीरो करना है और एटमोसफेयर को फुल करना है। और ठीक है एटमोसफेयर को फुल करना है। फुल करने के बाद यहाँ पर क्या करना है, इसको हम थोड़ा ये ठीक है रेंज को हम कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग, रेंज को हम कर लेते हैं समथिंग 25 के समथिंग, ठीक है 25 के समथिंग हमने रेंज कर लिया। कलर चाहे तो आप 60 वाला कलर भी रख सकते हैं जो कि येलो कलर होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं येलो यहाँ पर ग्लो हो रहा है। आप चाहे तो येलो 60 पर रख सकते हैं, ठीक है, या फिर नॉर्मल ग्लो रहने देते हैं जैसे कि अभी आप देख रहे हैं नॉर्मल ग्लो, ठीक है। और एटमोसफेयर फुल कर लिया और ग्लो को आप अपने अकॉर्डिंग रख लें, जैसे कि इसको फुल करेंगे तो ज़्यादा ग्लो होगा, कम करोगे तो कम ग्लो होगा। तो जैसे आपकी वीडियो का बैकग्राउंड है उसी के अकॉर्डिंग आपको रख लेनी है। तो मैं समथिंग 55 इसको रख लेता हूँ और यहाँ पर राइट पर क्लिक कर देते हैं और इसको हम रख लेते हैं बिल्कुल पूरी फुल वीडियो की एंड वाले पार्ट तक, ठीक है। इस तरीके यहां तक देखिए इस पार्टी हमारे काफी अच्छी ग्लो, और देखिए शूज पर कैसी ग्लो, एकदम जैसे आपने रील्स में देखी होंगी सेम उसी तरीके से यहां पर ग्लो आ चुकी है। और ये भी ठीक है। अब क्या करना है, ये जो माइनस का साइन है ना, इस माइनस पर क्लिक करना है और यहां पर लाइट इफेक्ट पर आना है और ग्लेयर 2 पर क्लिक कर देना है, ठीक है। और इसको हमें कम करके 0.5S या 4S करके राइट पर क्लिक कर देना है। ये हमारा हो गया ओके, हमने ये भी लगा लिया। और एक मिनट, ठीक है, अब स्टार्टिंग में आना है। स्टार्टिंग में आने के बाद ऐड ऑडियो पर क्लिक करना है, एक्सट्रैक्ट पर क्लिक करना है। यहाँ से मैं एक ऑडियो को ऐड कर लेता हूँ और जो ऑडियो मैं ऐड कर रहा हूँ आपको भी यही ऑडियो ऐड करनी है क्योंकि हमने इसी सॉन्ग की वीडियो एडिटिंग की है। तो ये जो ऑडियो मैंने साउंड बस एक्सट्रैक्ट करी है ये इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में म्यूजिक डाउनलोड लिंक आपको मिल जाएगा। और ये वाली वीडियो जो मैंने यहाँ पर ऐड करी है ये भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो म्यूजिक डाउनलोड लिंक है उसी में आपको डबल वीडियो में लगा करके ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो कहीं भी आपको नहीं जाना है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाना है और वीडियो डाउनलोड लिंक, म्यूजिक डाउनलोड लिंक, आपको दोनों लिंक यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी वीडियो बना सकते हैं। चलिए अब मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ कि ये वीडियो हमारी कैसी एडिट हुआ है। सो आपने देखा बिल्कुल सेम प्रोफेशनल तरीके से हमारी जो रील है यहाँ पर वो एडिट हो चुकी है। ओके सो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। कुछ भी आपको न्यू सीखना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर वो रील सेंड कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ऐसी ही न्यू वायरल रील्स एडिटिंग अब डेली इस चैनल पर आते रहेंगी। सो गैलरी में सेव करने के लिए ऊपर एरो पर क्लिक करना है एक्सपोर्ट पर और यहाँ पर हमारी विदाउट किसी प्रॉब्लम के गैलरी के अंदर वीडियो सेव हो जाएगी। सो मिलता है किसी ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो एडिटिंग के साथ।